Hello students, in this class we are going to discuss Williamson's ether synthesis. In this reaction, sodium or potassium alkoxide is treated with alkyl halide so that ether is obtained as a product. इस reaction में हम alkyl halide की reaction sodium alkoxide या potassium alkoxide से करते हैं जिससे ether product बनता है. अगर यहाँ पे देखा जाए alkoxide लिए हम, oxygen पे negative charge होगा, sodium पे positive. अब RO negative है, RO negative जाके attack करेगा RX में, X पे partial negative, R पे पार्शियल पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव निकल जाएगा, ROR डैश बनेगा, ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगी. यहां पे देखें अगेन RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, RO नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, X निकल जाएगा, R डैश OR बन जाएगा सोडियम हैलाइड. अब अगर इस रिएक्शन में हम देखें तो ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है. यहां पे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड टर्शियरी नहीं होना चाहिए. अगर एल्काइल हैलाइड टर्शियरी है तो फिर E2 रिएक्शन हो जाएगी, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस नहीं होगा. ये एल्किल हैलाइड विनाइलिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विनाइलिक हैलाइड है तो इसमें SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि हैलोजन पार्शियल डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. एराइल हैलाइड है तो यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है. अगर एल्किल हैलाइड ब्रिजहेड एल्काइल हैलाइड है तब भी SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रिजहेड कार्बन पर बैक साइड पर क्राउडिंग प्रेजेंट है. अगर 3° एल्काइल हैलाइड है तो फिर सब्स्टिट्यूशन के बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा. चलिए विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे CH3 ONA लिया जाए तो यहाँ पे O नेगेटिव अटैक करेगा, X नेगेटिव निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा मिथाइल ईथर. नेक्स्ट देखें अगर मिथॉक्साइड आयन लिया जाए, ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये CH3 OCH2 CH3 बन जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक्स नेगेटिव CH3 O नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक्स नेगेटिव निकलेगा, तो ये बन जाएगा. नेक्स्ट केस में अगर देखें तो यहाँ पे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है. अब अगर यहाँ पे देखें CH3O नेगेटिव अटैक करेगा, तो अब यहाँ पर CH3O नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं, एज ए बेस अटैक करेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, हैलोजन निकलेगा, तो यहाँ पे एल्कीन बनेगा. और अब ये रिएक्शन E2 मैकेनिज्म से होगी, तो ध्यान रखना होगा विलियमसन सिंथेसिस के लिए हमें एल्किल हैलाइड टर्शियरी नहीं लेना है. नेक्स्ट देखें अगर CH3 अगर हम इथॉक्साइड ले लें और इसकी मिथाइल हैलाइड से रिएक्शन करें, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पे ईथर बनेगा. अगर हम आइसोप्रोपॉक्साइड ले लें तो यहां पर भी आइसोप्रोपाइल ईथर बनेगा. अगर हम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बेस लेते हैं और CH3X की रिएक्शन करते हैं, तो अब यहां पे ये ईथर बनेगा. नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें फिनाइल ईथर बनाना है, फिनाइल मिथाइल ईथर, तो कौन सा एल्काऑक्साइड लिया जाए और कौन सा एल्काइल हैलाइड लें. अब हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन नहीं ले सकते, क्योंकि क्लोरोबेंजीन पर SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों नहीं हो सकता. इसका मतलब यहाँ पे फिनाइल है कंपल्सरी है कि यह RO निगेटिव से आएगा, और ये जो CH3 है ये एल्काइल हैलाइड से आएगा. तो यहाँ पे RO निगेटिव फिनॉक्साइड होना चाहिए और एल्किल हैलाइड CH3X होना चाहिए, तो यहाँ पे अटैक होगा, एक्स नेगेटिव निकल जाएगा, तो ये मिथाइल फिनाइल ईथर बनेगा. नेक्स्ट देखते हैं अगर हमें यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे हमें बेस्ट रिएजेंट सेलेक्ट करने हैं. यहाँ पे एल्कॉक्साइड होना होगा, एल्किल हैलाइड होना चाहिए लेस क्राउडेड, और लेस क्राउडेड एल्काइल हैलाइड मतलब ये एल्किल हैलाइड CH3X होगा, और बेस होना चाहिए आइसोप्रोपॉक्साइड. नेक्स्ट देखते हैं अभी अगर यहाँ पे देखें तो ये Cl लीविंग ग्रुप है, ये जाके यहाँ से अटैक करेगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो लीविंग ग्रुप के 180° पर SR जुड़ा होगा. यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म है, और SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड पर अटैक करता है, एंटी पोजीशन से अटैक होता है. नेक्स्ट केस अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो OH नेगेटिव है, ये H प्रोटॉन लेगा तो ये S नेगेटिव बनेगा. अब S नेगेटिव जाके यहाँ से अटैक करेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, और साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट देखें यहाँ पे OH नेगेटिव एज ए बेस अटैक करेगा, सबसे पहले ये एल्कॉक्साइड बन जाएगा. अब ये एल्कॉक्साइड जाके यहाँ से अटैक करेगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो इपॉक्साइड यानी साइक्लिक ईथर बनेगा. नेक्स्ट केस अगर देखें तो ये रिएक्शन अगर NaOH की प्रेजेंस में हो, OH नेगेटिव एज ए बेस अटैक करेगा, O नेगेटिव बनेगा, अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, यहाँ पर भी इपॉक्साइड बनेगा. नेक्स्ट केस देखते हैं यहाँ पे OH नेगेटिव, तो पहले तो ये एल्कॉक्साइड बना, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Br नेगेटिव निकल जाएगा. यहाँ पे ध्यान देना होगा OH और Br दोनों 180 पर होने चाहिए, एंटी पोजीशन पर होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो रही है, और SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप से 180° पर अटैक करता है. नेक्स्ट केस देखें अगर NaOH एक्सेस में लिया जाए, तो सबसे पहले तो इपॉक्साइड बनेगा, ये बन जाएगा इस तरह से, OH अटैक करेगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो ये इपॉक्साइड बनेगा. अब इपॉक्साइड पे अगर हमने एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव लिया है तो ये OH नेगेटिव फिर से अटैक करेगा, तो अगर एक फ्रंट पे है तो दूसरा बैक पे आएगा,
तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगर यहाँ पे दोनों OH और Cl फ्रंट पे हैं, Cl लीविंग ग्रुप है लेकिन OH इसके एंटी पोजिशन पे नहीं है, तो इस बार SN2 रिएक्शन होगी, OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। थैंक यू वेरी मच।